दूसरा महात्मा गांधी जी, जिसको इस देश का हर नागरिक मानता है, हर नागरिक मानना भी चाहिए, हम भी मानते हैं भैया, हम भी मानते हैं। उन्होंने कहा था 26 सितंबर 1947 में एक प्रार्थना सभा में माइक में खुलेआम यह घोषणा की, पाकिस्तान में रह रहे हिंदू और सिख, सिर्फ हिंदू और सिख, दिग्विजय सिंह जी, सिर्फ हिंदू और सिख, यदि वे वहां नहीं रहना चाहते, वो निसंदेह भारत आए, भारत सरकार का दायित्व है उनको स्वीकार करना, इस मामले में न सिर्फ स्वीकार करना, उनको रोजगार देना, मताधिकार देना, उनके जीवन को सुखकर बनाना, ये भारत सरकार का प्रथम कर्तव्य है, ये महात्मा गांधी ने कहा है। और इन्होंने सिर्फ हिंदू और सिख कहा है, सिर्फ आपको जो वो मुस्लिम मुस्लिम चिपक गया इसलिए कह रहा हूं, ये बाद में चिपका है जरा, पहले नहीं था ऐसा, पहले समस्याओं को धर्म के आधार पर नहीं, मुसलमान की भी समस्या है तो उसका समाधान निकालेंगे भाई, मगर आज समस्या हिंदू बौद्ध सिख जैन पारसी और ईसाई के लिए है तो उसका समाधान निकाल रहे, इसमें आपत्ति कैसे हो सकती है। मान्यवर, मैं फिर से, कई सदस्यों ने कहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े वरिष्ठ सदस्य, देश के पूर्व प्रधानमंत्री यहां बैठे, उन्होंने भी इसी सदन में कहा था, विपक्ष के नेता और असम के सदस्य डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, महोदया जब मैं इस विषय पर बात करता हूं तो मैं हमारे देश के विभाजन के बाद शरणार्थियों के प्रति बर्ताव के बारे में बताना चाहूंगा, अल्पसंख्यक मतलब वहां के जिसमें मुसलमान नहीं आता है, अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश जैसे देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, और अगर हालात इन लोगों को मजबूर करती है तो हमारा नैतिक दायित्व इन अभागे लोगों को नागरिकता प्रदान करना है, जो डॉक्टर साहब ने कहा हम कर रहे हैं, मगर कांग्रेस विरोध कर रही है। माननीय, ये जो बेंचेस चेंज होती है और अप्रोच बदलता है, मैं नहीं मानता,